हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राइट्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है और ये इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी करती है। और इनके जो स्पेशलाइजेशन है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये 242 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि राइट्स किस प्रकार का शेयर है, इसके फंडामेंटल्स किस प्रकार के हैं और पास्ट में इसके शेयर भाव में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं, ये कंपनी किस प्रकार की रिजल्ट लेकर के अभी तक हम निवेशकों के सामने आई है और आने वाले दिनों में इसके शेयर भाव किस प्रकार के रह सकते हैं और इनके रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक में हम लोग निवेश की राय बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग राइट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल ओवरव्यू को चेक कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राइट्स लिमिटेड का मार्केट कैप लगभग 6000 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है और अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 24.33% देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 34.27% देखने को मिल रहा है, जो कि और भी बेहतरीन है दोस्तों। और अगर इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 117 times देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और डेट इक्विटी की बात करें तो ये 0.02 है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 72% देखने को मिल रही है, यहाँ पर प्रमोटर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। और इसका करंट मार्केट भाव 242 रुपये पर चल रहा है, जबकि इस स्टॉक का 52 week हाई 331 रुपये देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अभी वर्तमान भाव में ये 6.61% का डिविडेंड यील्ड इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी मार्वेलस है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल ओवरव्यू में राइट्स लिमिटेड एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों हम लोग राइट्स लिमिटेड के ऑर्डर बुक की बात करें तो इस साल के शुरू में ही राइट्स लिमिटेड के पास जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 6223 करोड़ का देखने को मिल रहा है, ईयर के शुरुआत में ये देखने को मिल रहा है। और अगर अभी हम लोगों ने जैसा कि दोस्तों देखा था कि राइट्स लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो लगभग 6000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि राइट्स लिमिटेड का जो ऑर्डर बुक है वर्तमान समय में वो इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर ऑर्डर बुक ये कंपनी रख रही है। तो इसके आने वाले समय में इसके प्रॉफिट भी उसी हिसाब से देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, चूँकि इसके ऑर्डर बुक इनके मार्केट कैप से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब चलिए दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहां पर देख रहे हैं, इसमें FIs काफ़ी कम संख्या में निवेशित हैं, मात्र 1.5% होल्डिंग है FIs की। और अगर सबसे हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो यहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 72% होल्ड किए हुए हैं और सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है इस कंपनी में LIC ऑफ इंडिया है, जो कि तकरीबन 8% इसमें होल्ड किए हुए हैं। बाकी इसमें छोटे निवेशक 6.17% होल्ड किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें FIs का इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल को हम लोग चेक करते हैं कि आखिर ये कंपनी जो कि इतने अच्छे डिविडेंड देती है और इसके डिविडेंड पेआउट 6.6% देखने को मिल रहा है, तो हम लोग इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं कि पास्ट में ये कंपनी किस प्रकार का रिजल्ट लेकर के हम निवेशकों के सामने आई है। अगर दोस्तों हम लोग एनुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो FY19 में राइट्स लिमिटेड 2047 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी, जो कि FY20 में बढ़ के 2474 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर इनके
रेवेन्यू में, नेट सेल्स में लगभग 21% का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और अगर हम लोग उनके इंटरेस्ट बर्डन की बात करें तो FY19 में ये 8 करोड़ का इनका इंटरेस्ट बर्डन हुआ करता था, जो कि FY20 में घट करके 6.92% हो गया, यानी कि इनके इंटरेस्ट बर्डन में लगभग 13% का डिग्रोथ देखने को मिला, यानी कि ये कंपनी अपने इंटरेस्ट अपने डेट को कम करते हुए पाई गई है। और अगर दोस्तों कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY19 में ये 469 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज की थी, जो कि FY20 में बढ़ कर के 616 करोड़ का हो गया। तो यहाँ इनके नेट प्रॉफिट में लगभग 31% का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके एनुअल रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट को भी हम लोग मिला लेते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर इनके रिजल्ट किस प्रकार के देखने को मिले हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि मार्च क्वार्टर में राइट्स लिमिटेड 570 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि जून क्वार्टर में ये घट करके 335 करोड़ का रह गया। तो ये इनके जो गिरावट देखने को मिल रही है वो लॉकडाउन की वजह से देखने को मिल रही है, और इसमें इनके सेल्स में लगभग 41% की गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों अगर हम लोग इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च क्वार्टर में यह 139 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज की थी, जो कि जून क्वार्टर में घट करके 63 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इनके नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में लगभग 55% का डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इनके क्वार्टरली बेसिस पर इनके रिजल्ट बेहद ही खराब देखने को मिले हैं, लेकिन एनुअल बेसिस पर ये कंपनी काफ़ी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स लेकर के आई है। और जो क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट खराब रहे हैं उसकी वजह लॉकडाउन रही है, इसलिए जब भी कोरोना का जो इफेक्ट है वो समय के साथ कम होता हुआ दिखेगा और जो डे टू डे लाइफ नॉर्मलसी की ओर बढ़ेगी, तब हम लोग ये पाएंगे कि राइट्स लिमिटेड अपने प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगी आने वाले दिनों में। अब दोस्तों इसके चार्ट से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनके चार्ट पैटर्न किस प्रकार के संकेत हम लोगों को दे रहे हैं, क्या हम लोग इस स्तर पर इसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसके चार्ट से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग राइट्स लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि राइट्स लिमिटेड लॉकडाउन के पहले 323 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, और जब लॉकडाउन की घोषणा हुई उसके बाद इसमें काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली और 200 के स्तर पर आ गया था, और अभी वर्तमान में यह 247 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग दोस्तों इसके ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये काफ़ी साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, और ये कभी हाई जाता है लगभग 268 के आसपास जाता है, उसके बाद पुनः इसमें गिरावट आती है, ये 222 के आसपास आ जाता है, इस तरह करके ये ऊपर और नीचे होता हुआ आगे बढ़ता चल रहा है और ये साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। तब दोस्तों अब चूंकि ये लोअर चैनल में आ चुका है और इसके डिविडेंड यील्ड काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं अभी वर्तमान भाव में वो लगभग 6% के आसपास, तो ये चूंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक है तो इस स्तर पर अगर डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें और चार्ट के हिसाब से देखें तो ये 240 का जो इनका जो प्राइस है ये काफ़ी सही प्राइस देखने को मिल रहा है कि इन स्तरों पर हम लोग इसमें निवेश करके लंबे समय तक इसमें अगर बने रहें तो न केवल हम लोग डिविडेंड अच्छा पाएंगे, 6% का डिविडेंड हम लोग हर साल पाएंगे, बल्कि आने वाले समय में इसमें काफ़ी तेज़ी भी बनती हुई दिखेगी, चूँकि इसके बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छे हैं और ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इसके ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से इन स्तरों से इसमें काफ़ी तेज़ी बनते हुए देखेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप इसे फटाफट लाइक कर लें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।